अब 15-16 घंटे के समथिंग बैठने के बाद अब जाके हम पहुंच चुके हैं। गाइज अगेन वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। बहुत टाइम बाद जो है ब्लॉग आ रहा है क्योंकि मैं जो गया था लास्ट टाइम इंदौर से जयपुर, उस टाइम ब्लॉग आया था। उसके बाद मैंने सोचा था कि मैं डेली जो है ब्लॉग बनाऊंगा, लेकिन उसके बाद अभी तक कोई ब्लॉग नहीं आया। लेकिन अब जाके जो है ब्लॉग आ रहा है क्योंकि मतलब कितना समथिंग 2 महीने हो गए। उसके बाद अब जो है अब जाके मैंने जो है इतने टाइम बाद न्यू ट्रिप जो है प्लान करी हमने। ऐसे तो ये ट्रिप जो है 1 साल पहले से बुक कर रखी हमने, मतलब प्लान कर रखी, लेकिन वो क्या है कि पिछले टाइम पे ना लॉकडाउन लग गया था, उस वजह से नहीं जा पाए थे। तो अब जो है अब जाके कंफर्म हुआ है। तो अब जो है हम जा रहे हैं इंदौर से मथुरा, देन उसके बाद जो है हम आगे की ट्रिप जो है आपको अभी नहीं बताएंगे। जो है 4th से 5th डे की जो है ट्रिप होने वाली है और 5 दिन के 5 अलग अलग ब्लॉग आने वाले हैं। हम जो है घूमने वाले हैं मथुरा के साइड का पूरा एरिया। बहुत टाइम बाद जो है ब्लॉग आ रहा है और अब जो है मैं मतलब मैंने सोच ही लिया है अब तो कि हम जो है डेली कंटिन्यू ही करना है। चैनल पे ना तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ऐसे न्यू ब्लॉग जो है अब जो है डेली पार्ट जो है ये एपिसोड 1 है और इसके एपिसोड जो जितने भी आएंगे डेली के जो है मैं अपलोड करूँगा। तो ये 1st ब्लॉग है। तो सबसे पहले जाएंगे मथुरा क्योंकि डायरेक्ट ट्रेन है और अभी जो है टाइम हो रहा है 5 बजे के। ठीक है 5 बजे हुए हैं, 5 हमारी ट्रेन है 5:30 की और अभी जो है ट्रेन देख सकते हो मेरे सामने खड़ी हुई है। और ये सामने वाला फ्रंट वाला मेरा जो है डिब्बा है और इसी के अंदर मेरी सीट है। मेरे साथ जाने वाला है मेरा एक और फ्रेंड प्रदीप और हम दोनों ही जाने वाले हैं। बाकी जो भी थे मतलब प्लानिंग तो बहुत सारों की थी और सबने डन भी कर दिया था, लेकिन वो क्या हुआ कि थोड़े टाइम बाद फिर जो है सबने मना कर दिया। बट अभी जो है प्लान जो है कंटिन्यू हुआ और अब जो है अब जाके हम दोनों ने जो है अभी तक मतलब डन करा है लास्ट में। तो हम दोनों ही घूमने जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है गाइस। अभी जो है हम दोनों ही घूमेंगे और आपको भी साथ में घुमाएंगे। वीडियो को लास्ट तक रहना, बहुत मजा आने वाले हैं। सुबह के 5 बजे रही है, 5:30 की ट्रेन है। यहाँ से इंदौर से निकलेंगे और सीधे जाएंगे मथुरा। मथुरा को जो है पहुँचेंगे पूरे शाम को 8:30 बजे, मतलब 8:40 पर पहुँचेंगे। तो जैसे ही निकलेगी उसके बाद आगे की बात करेंगे। चलो लेट्स गो गाइस। अभी टाइम हो रहा है समथिंग 7:30 और 1 सेकेंड, हाँ 7:30 देख लो, 7:30 बजे। और अब जाके जो उज्जैन पहुंची थी, कितने बजे जाने का था उज्जैन, कितने बजे पहुंच रही थी ट्रेन? बहुत ज़्यादा ही लेट, मतलब बहुत ही डिले चल रही है। अभी हम सोच रहे थे कि टाइम से पहुंच जाएगी लेकिन नहीं हो, अभी जाके उज्जैन नहीं है, रास्ते में रुक जाती है। हमारी ट्रेन का कोई है ही नहीं कुछ भी, पता नहीं कैसी ट्रेन है, बीच उस पर ही रुक जाती। कितने पे पता है? बीच ट्रैक पे रुक जाती है, कोई स्टेशन स्टेशन आता नहीं और बीच में ही रुक जाती है और बस रुकते बहुत देर खड़ी रहती है और फिर चल देती है। और रेलवे स्टेशन पे थोड़ी देर ही रुकती है, पता नहीं क्यों। अब यहाँ देखो अब जाके जो है उज्जैन आए हैं। गाइस यहाँ पे देखना, ये ना यहाँ पे ट्रैक पे खड़ी नहीं हुई उस साइड, वो वहाँ पे कैसे दिखेगी मुझे, हाँ ये यहाँ पे खड़ी नहीं हुई। तो लोगों ना इस साइड से यहाँ पे आके और यहाँ बीच है उस पर खड़े हो गए ये, और अब बस यहाँ से अंदर घुसेंगे बताओ, मतलब बिना इसके। और आपको एक चीज तो और बताता हूँ मैं भी, देखना थोड़े से आगे चलेंगे, ये स्टेशन का नाम देखना है। अरे भैया दीदियाँ भी नहीं मान रही है, देखो बताओ कैसे चलेगा ऐसे, देख रहे हो दीदी ऐसे कैसे चलेगा बताओ। ये देख रहे हो वो वहाँ पे देखना पचोर रोड, यार ये पचोर रोड कैसे होगा, ये तो स्टेशन है ना, देखना अभी यहाँ पे देखना ठीक है, ये देखो पचोर रोड। और एक और चीज़ देखना यहाँ पे, ये मैंने इसमें ली थी। तो यहाँ पे अगर आप जो है अगर ट्रेन में जो ये वाला पानी लेते हो रेल नीर वाला, तो इसमें ना आप जो है यहाँ पे फूड भी बुक कर सकते हो। ये देखो यहाँ पे वेबसाइट और ऐप और लिंक और नंबर दोनों दे रखे हैं। और ये यहाँ पे देखना एक चीज़ यहाँ पे लिख रखी है, डू नॉट एक्सेप्ट इफ सील इज ब्रोकन, दे रहे हो मतलब क्या लिखा हुआ इस पर, अगर ढक्कन खुला हो तो मत लेना ठीक है, ढक्कन खुला हो कुछ और मत समझना। ओके यहाँ से देखना ना, यहाँ से ना गाय आ रही थी तो फिर पता है उसके चक्कर में, ये देखो ये यहाँ पे ना उसके चक्कर में ट्रेन रुक गई। 2000 years later अभी टाइम हो रहा है, ये देखो 4:02 है ना, 4:02 और अभी हमने जो है क्रॉस करा है शिवपुरी।
सुप रिफ्रेश कर लिया है। अब आएगा आगे का स्टेशन, आएगा ग्वालियर, फिर जो नेक्स्ट स्टॉप आएगा मथुरा। तो आज रात हम जो है मथुरा में स्टे करेंगे, देन उसके बाद कल सुबह जो है मथुरा घूमेंगे। तो अभी जो है यहाँ से निकल रहे हैं, मतलब निकल ही गए हैं, ट्रेन देख सकते हो अभी चल रही है। ये क्या भीड़ है, वो फंस गए, बाहर ही चल रहा है बस। ओके सो गाइस, पूरे 15 घंटे के बाद सुबह 5:30 बजे बैठने के बाद अब जो है बज रहे हैं 9, 15-16 घंटे के समथिंग बैठने के बाद अब जाके हम पहुंच चुके हैं गाइस फाइनली मथुरा। देन अभी देखो अभी मतलब है ना वो ट्रेन इतनी स्लो थी कि क्या बताऊँ, हर जगह मतलब 1-1.5 घंटे रुक जाती थी, तो उसकी वजह से ना मतलब इतना लेट हो गया है। वरना ऐसे मतलब कंटिन्यू अगर ट्रेन आती तो समथिंग हमको 8-9 घंटे लगते और हम जो है यहाँ आ जाते, लेकिन वो कम से कम 4-5 जगह ऐसी जगह रुकी कि 1-1.5 घंटे पहले मतलब वो हुई नहीं, चली नहीं। तो अभी जो है हम फाइनली मथुरा आ चुके हैं, इधर शायद पीछे की साइड, हाँ इधर दिख रहा है आपको, देखो ये यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है मथुरा जंक्शन। अब उसके बाद जो है यहाँ से हम फाइनली आ चुके हैं, अब यहाँ से क्या करेंगे सबसे पहले, अभी देखो अभी मैं टाइम आपको बताता हूँ, 9:00 देख सकते हो, फिक्स 9 बज गए हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ जाके होटल ढूंढना है, खाना खाएंगे और आज जो है आज रात रेस्ट करेंगे, उसके बाद कल चलेंगे मथुरा घूमने। तो चलो यार लेट्स गो, सबसे पहले तो ढूंढते हैं होटल और उसके बाद जो है आगे हम बात करते हैं, लेट्स गो। एक मैं चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो ये और यहाँ पे ये और यहाँ पे ये, देख रहे हो मतलब, और यहाँ पे भी देखना ये रहे, मतलब एकदम मस्त कॉम्बिनेशन बन रहा है यहाँ पे, ठीक है एकदम मस्त और ओसम से फीलिंग आ रही है एकदम सही वाली। तो अभी जो है सबसे पहले तो हम निकल रहे हैं यहाँ से, थोड़ी सी फ़ोटो वगैरह ली थी, सेल्फी ली, और अब निकल रहे हैं हम होटल ढूंढने, उसके बाद होटल पे ही मिलते हैं डायरेक्ट। चलो ओके, तो गाइस फाइनली हमने 3-4 जगह रूम देखने के बाद एक डिसाइड कर ही लिया है, रात निकालना है बस जैसे तैसे, उसके बाद सुबह तो जो है निकल लेंगे यहाँ से जल्दी से जल्दी। तो मतलब 3-4 जगह ढूंढा, उसके बाद जो है मिला वो तो एक रिक्शे वाले अच्छे मिल गए थे भैया, तो उनने दिखा दिए 3-4 जगह रूम और डिसाइड कर लिया। अब यहाँ पे फ्रेश रेश होंगे, खाना ना खाएंगे, उसके बाद आज रेस्ट करेंगे। तो यार गाइस आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं कल के ब्लॉग में एक नया और एकदम मजेदार ब्लॉग, क्योंकि कल पूरा मथुरा एक्सप्लोर करवाने वाला हूँ आपको। तो चलो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक एंजॉय द वीडियो यार गाइस, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक एंजॉय द वीडियो, टेक केयर, पीस आउट।